स्मार्टफोन के बाद भी फीचर फोन लोगों की पसंद बने हुए हैं। सैमसंग ने हाल ही में सस्ता फीचर फोन मेट्रो B350E लॉन्च किया था। इसकी टक्कर में माइक्रोसॉफ्ट ने नोकिया 222 और नोकिया 222 डुअल सिम लॉन्च किया है। कीमत की बात की जाए तो यह करीब 2450 रुपए में आएगा। कंपनी ने पिछले साल नोकिया 220 लॉन्च किया था। इसकी सफलता के बाद नोकिया ने ये दोनों फोन लॉन्च किए हैं। नोकिया के ये दोनों फोन माइक्रो सिम कार्ड्स को सपोर्ट करेंगे और दोनों नोकिया सीरीज 30 प्लस OAS पर रन करेंगे। फोन की खूबियों की बात की जाए तो फोन में FM 45 घंटे और MP3 प्लेयर करीब 50 घंटे तक चलेगा। फोन में स्काइप, फेसबुक मैसेंजर, ट्विटर जैसे एप्लीकेशन प्रीलोडेड रहेंगे। फोन में 2.4 इंच की QVGA 240x320 पिक्सल LCD स्क्रीन है। फोन में 2 मेगापिक्सल का फिक्स्ड फोकस कैमरा है। मेमोरी की बात की जाए तो इसकी मेमोरी 32GB तक बढ़ाई जा सकती है। GPRS, ब्लूटूथ V3.0, माइक्रो USB और 3.5mm ऑडियो जैक फोन में है। 1100mAh की बैटरी फोन में है। कंपनी के मुताबिक यह बैटरी 20 घंटे का टॉक टाइम और 21 दिन का स्टैंड बाय टाइम सिंगल सिम पर और 29 दिन का स्टैंड बाय टाइम डुअल सिम मॉडल पर देगी। फोन ग्लैसी ब्लैक और व्हाइट कलर्स में उपभोक्ताओं को मिलेगा।